आज का पहला सवाल, तीन संख्याओं का योग 174 है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है और पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या है? बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन कहता है तीन संख्याओं का योग 174 है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। 9:16 जो है ये किसका अनुपात है? ये पहली दूसरी नहीं है, ये दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। क्वेश्चन बोला दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 लिख दिए। फिर क्वेश्चन कहता है पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या? 1:4 है, तो तीसरी और पहली संख्या का अनुपात क्या होगा? 4:1। पहली और तीसरी का मान 1:4 होगा, तो तीसरी और पहली का अनुपात क्या होगा? 4:1। अब यहां तीसरी संख्या 4 है और पहली संख्या क्या है? 1 है। अब कहिए तीसरी और पहली क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहली दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और तीसरी के सामने तीसरी संख्या ही लिखा जाता है। दूसरी बी के सामने बी ही लिखते थे, सी के सामने सी ही लिखते थे, ये आपको ध्यान भी होगा पिछले क्वेश्चन में। अब इसको गुना करते हैं तो क्या आता है? या गुना क्यों करना, यहां 16 है तो इसको 16 बनाना बहुत आसान, 4 से गुना कर दीजिए, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, हो गया एबीसी का अनुपात। ये दूसरी संख्या का मान क्या? 9। तीसरी संख्या का मान क्या? 16। और ये पहली संख्या है, पहली संख्या का मान क्या? 4। तो पहली संख्या इधर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहली ये क्या है? ये पहली संख्या, पहली संख्या शुरू में लिख दिए। अब पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या 16, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तीनों का योग 29 होता है। तीनों का योग क्या होता है? 29। और तीनों का योग क्या दिया हुआ है? 174। तीन संख्याओं का योग 174 है और यहाँ योग क्या दिखाई दे रहा? 29। 29 का मान क्या? 174। पूछता है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का मान क्या? ये आपका आंसर है। तीनों संख्याओं का योग क्या? 29। और योग दिया क्या है? 174। तो 29 का वैल्यू कितना? 174। तो 9 का वैल्यू कितना? तो ये कट जाएगा 6 बार में और 9 का वैल्यू 9×6=54, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 18,000 रुपया 66 पुरुष तथा महिलाओं में वितरित करने हैं। पुरुषों के हिस्से का योग और महिलाओं के हिस्से का योग 5:4 के अनुपात में है तथा एक पुरुष और एक महिला के हिस्से में 3:2 का अनुपात है, तो पुरुषों की संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। मान लेते हैं पुरुषों की संख्या x, टोटल पुरुष वहां कितने हैं x, तो महिलाओं की संख्या 66 - x, क्योंकि टोटल संख्या कितना है? 66। अगर पुरुष x हैं तो महिलाओं की संख्या 66 - x, इसमें शायद आपको कहीं समझने में दिक्कत ना हो। टोटल संख्या 66 है पुरुष और महिला का, उसमें अगर x पुरुष है तो महिलाओं की संख्या 66 - x। अब क्वेश्चन कहता है एक पुरुष और एक महिला के हिस्से का अनुपात 3:2 है, मतलब एक पुरुष को 3 रुपया मिलता है, एक पुरुष को 3 रुपया मिलता है, तो टोटल पुरुष कितना रुपया ले जाएगा? x×3। एक पुरुष 3 रुपया लेता है और वहां पुरुषों की संख्या क्या है? x, तो टोटल पुरुष कितना ले जाएगा? 3x। अब एक महिला को 2 रुपया दिया जाता है और महिलाओं की संख्या क्या है? 66 - x, तो महिलाओं के पास कुल कितना धन जाएगा? इतना। अब ये कुल पुरुषों का धन और नीचे कुल महिलाओं का धन,
पुरुषों का धन और महिलाओं के धन का रेशियो 5:4 है। इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आएगा। अब आप कह सकते हैं कि आंसर तो आ रहा है, लेकिन एक इस सवाल में 18,000 दिया है, इस 18,000 का तो हम लोग कोई यूज ही नहीं लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 18,000 का यूज लें तो ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं। जैसे देखिए, आप यहाँ 5:4 लिखे हैं ना, 5:4 क्या है, टोटल पुरुष को क्या मिला 5, टोटल महिलाओं को क्या मिला 4, तो 5:4 9, 9 बराबर क्या 18,000। ये टोटल पुरुषों को मिला धन और ये टोटल महिलाओं को मिला धन, दोनों को जोड़ देंगे तो सबको मिला धन, सबको मिला धन कितना 9, और टोटल धन है कितना 18,000। तो 9 का मान 18,000, तो 5 का मान कितना 10,000, और 4 का मान कितना 8,000। तो पुरुषों का धन कितना 10,000 और महिलाओं का धन 8,000। तो ये पुरुषों का धन यहां लिख सकते हैं 10,000 और बटा 8,000। अब ये बराबर इसको हटा दीजिए, ये बराबर ये लिख दीजिए, क्या इसको काट के फिर लाएंगे तो यही बात नहीं आएगा क्या? तो फिर उसको लिखने का कोई जरूरत था क्या? इसीलिए हम लोग 18,000 का कोई यूज नहीं लिए। आप एक बार फिर से समझ लीजिए अगर कंफ्यूजन हो गया हो तो। सबसे पहले पुरुष कितने x, महिलाओं की संख्या 66 - x, और एक पुरुष को 3 रुपया मिलता है तो टोटल पुरुष के पास कितना धन जाएगा इतना, और टोटल महिलाओं के पास धन जाएगा इतना, और टोटल पुरुष और टोटल महिलाओं के धन का अनुपात 5:4 दिया है, इसका कोई यूज नहीं लेना है आपको, और इसी का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान आपका आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है पुरुषों की संख्या क्या है। आइए हम लोग कैलकुलेट कर गुना करेंगे तो क्या होगा 12x, और इधर गुना करेंगे तो 5 × 10, और यहां हो जाएगा क्या 660, और 10 - 10x, ये 10 इधर आएगा तो क्या होगा 22x बराबर 660, और 22 से 30 बार में कटेगा, x का मान क्या 30, पुरुषों की संख्या क्या 30, और ये 30 जब 66 में घटा देंगे तो जो निकलेगा वो महिलाओं की संख्या। अगर आप और भी विकल्प चाहें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। एक बार फिर से देखिए आप, ये क्या है, ये है वो धन जो कुल पुरुष को मिला, ये वो धन है जो टोटल पुरुष को मिला, और ये क्या है, ये वो धन है जो टोटल महिलाओं को मिला। टोटल महिला मिलकर कितना धन ले गई तो वो 4x है, टोटल पुरुष मिलकर कितना धन ले गया तो वो 5x। अब क्वेश्चन कहता है एक पुरुष को कितना मिला 3y, और दूसरे एक महिला को कितना मिला 2y। अब इसको हम लोग भाग लगा दिए 3y से, इसको भाग लगा दिए 2y से, तो ये क्या मिला और ये क्या मिला, इसको समझना है अगले स्टेप में आंसर। ये क्या है, मान लिया जाए आपके सामने कुछ पुरुष हैं और टोटल पुरुष मिलकर 100 रुपया ले गए, टोटल पुरुष मिलकर 100 रुपया ले गए, और एक पुरुष 20 रुपया ही ले जाता है, तो वहां पुरुष की संख्या क्या होगा 5। 100 क्या माने थे, जो पुरुषों के द्वारा लिया गया कुल धन 100, और ये 20 रुपया क्या माने हैं, एक पुरुष कितना लिया है, एक पुरुष लिया 20 रुपया, तो टोटल पुरुष वहां कितने होंगे, तो टोटल धन में एक पुरुष के धन से भाग लगा दिए तो वहां कितने पुरुष होंगे, यहां भी तो वही बात है। ये क्या है, ये टोटल पुरुष है, टोटल पुरुषों के द्वारा लिया गया धन है, और एक पुरुष के द्वारा लिया गया धन है, और ये जो मान आएगा ये बताएगा कि वहां कितने पुरुष हैं। जैसे यहां कैसे पता चला कितने पुरुष हैं, यहां भी तो वही बात है, यहां टोटल महिलाओं के द्वारा लिया गया धन और एक महिलाओं को कितना धन मिला वो पता है, तो इसमें से इसको भाग लगाएंगे तो पता चलेगा वहां महिलाओं की संख्या क्या है। तो xy अनुपात निकालेंगे तो कैंसिल दोनों तरफ। अब आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 वहां भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 5:6, मतलब पुरुष वहां 5 है तो महिला वहां 6 है, 5 और 6 = 11, 11 में पुरुष कितने हैं 5, और 66 में पुरुष कितने हैं 11 से 6 बार में, तो 6 गुना कर दीजिए 30, वहां पुरुषों की संख्या क्या 30, ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। आइए अगले सवाल में।
अगला सवाल, एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनका दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है, कुल दैनिक बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा? बहुत आसान सवाल है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कहता है एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले 9 कर्मचारी वहां काम कर रहा था तो अब यानी बाद में 8 कर्मचारी काम करने लगा, यही मतलब हुआ ना। क्वेश्चन कहता है अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8, जहां 9 था वहां 8 कर दिया, मतलब पहले 9 आदमी वहां काम कर रहा था अब वहां 8 आदमी काम कर रहा, यही क्वेश्चन कह रहा। तथा उनका दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया, मतलब क्या हुआ, अब एक कर्मचारी का वेतन जिसको 14 रुपया पहले मिलता था अब उसको 15 रुपया मिलने लगा, यही ना। मतलब पहले 14 रुपया वो देता था एक कर्मचारी को, तो मालिक का खर्चा कितना था पहले का, इतना था, अब वो 15 रुपया देता है तो अब मालिक का खर्च कितना होगा, अब इतना होगा। पहले 14 देता था तो आदमी कितना था, 9, अब वो 15 देता है तो आदमी कितना है, 8। तो पहले का कुल खर्च ये था, आज का कुल खर्च ये है और इसी का अनुपात तो पूछ रहा है। पहले और अब के खर्चों का अनुपात घटेगा या बढ़ेगा, जो होगा वो आपके सामने है। आइए इसको जरा सा छोटा कर लें, अनुपात हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लाया जाता है। 3 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा ये 5 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा ये 4 बार में। तो 7 × 21 अनुपात क्या, 5 × 24, यानी उसका खर्च घट रहा है किस रेशियो में, 21:20 के रेशियो में। यही आपका डिमांड है, यही आपका मांग है, कुल दैनिक वेतन बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा। तो बढ़ तो रहा नहीं है, ये घट रहा है किस रेशियो में, 21:20 के रेशियो में, ये आपका आंसर है। आइए इसी तरह का एक आध और सवाल जो बार बार पूछा जाता है उसको हम लोग लें। अगला सवाल, किसी फैक्ट्री में मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई जबकि मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हुई है। यदि फैक्ट्री में आजकल 5,000 रुपया मजदूरी के लिए बांटे जाते हो तो पहले कितने रुपए बांटे जाते थे? देखिए अभी अभी जो सवाल हम लोग देखे, सवाल उसी से मिलता जुलता है, जो सवाल अभी हम लोग देखे उसी से मिलता जुलता है। फर्क क्या है कि यहाँ अलग बात आया है 5,000 रुपया कि आजकल का खर्चा 5,000 है, इसके बाद जो भी बात है पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो पिछला बात जो हम लोग सीखे उसी को हम लोग पहले लें फिर 5,000 का यूज लेंगे। क्वेश्चन कहता है मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि की गई, मतलब पहले एक मजदूर को 22 रुपया दिया जाता था तो अब एक मजदूर को 25 रुपया दिया जाता है। और फिर क्वेश्चन कहता है जबकि मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हुई है, मतलब पहले अगर 15 मजदूर था तो अब 11 मजदूर है, क्वेश्चन ये कह रहा है। पहले 22 देता था तो अब 25 देने लगा है, ये सही है, लेकिन पहले 15 मजदूर काम करता था तो अब मात्र 11 मजदूर काम करता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो
तो पहले का कुल खर्च ये और अब का कुल खर्च ये और दोनों का रेशियो क्या, जरा सा रेशियो हम लोग निकाल लें। तो 11 दूना 22 दो बार में कट गया और 5 से 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 6:5 रेशियो आपके सामने है। पहले 6 रुपया खर्च होता था तो अब 5 रुपया खर्च होता है, यही ना। अब इस 5000 का यूज लें। क्वेश्चन कहता है फैक्ट्री में आजकल 5000 रुपया मजदूरी के लिए बांटे जाते हैं और आजकल कितना बांटा जा रहा है, 5 रुपया। तो 5 रुपया का मान कितना दिया है, 5000, तो 6 रुपया का मान कितना होगा, 6000। मतलब पहले फैक्ट्री में मजदूरी के रूप में कितना बांटा जाता था, तो आपका आंसर है 6000। पहले का खर्च 6000 था। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 117 रुपया को ए बी तथा सी, ए बी तथा सी में 1:2 / 1:3 / 1:4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर मैंने उसे 2:3/4 के अनुपात में बांट दिया, किसे सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 117 रुपया का बंटवारा करना है एबीसी में और बांटने का अनुपात क्या होना चाहिए, तो अनुपात होना चाहिए 1:2 / 1:3/4। इस रेशियो में ना बांट के इस रेशियो में बांट दिया गया। अब क्वेश्चन कहता है किसको फायदा हुआ और कितना, बांटना किस रेशियो में चाहिए था, तो बांटना चाहिए था इस रेशियो में, बांटना चाहिए था इस रेशियो में। अब इस रेशियो में पहले बांटते हैं, अब इस रेशियो को हम लोग सुधारते हैं। सुधारने का मतलब हर के एलसीएम से गुना कर देते हैं, भिन्न खत्म हो जाएगा। तो हर का एलसीएम कितना, 12, 12 से गुना कर दीजिए। 12 से गुना करने पर इसका मान 6, इसका मान 4, इसका मान 3 होगा। और देखिए अगर क्वेश्चन में यह पूछता किसको सबसे अधिक फायदा हुआ, तो सीधा कहते सी को। 1:2 / 1:3 / 1:4 सबसे छोटा होता है। और यहां क्वेश्चन क्या कहता है, 2:3/4, जिसको सबसे कम मिल रहा था ना उसको सबसे ज्यादा दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा तो सी को होगा। तो ये तो क्लियर है किसको फायदा होगा, सी को। तो हम लोग सीधा सिर्फ सी का मान निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये बता पूछ रहा है कितना फायदा किसको होगा, ये तो बिना बनाए भी हम लोग कह सकते हैं सी को फायदा होगा सबसे अधिक। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना फायदा होगा, तो कितना बताने के लिए हम लोग सी का मान निकाल देंगे। 6, 4, 10, 3, 13, 13 रुपया के बंटवारा में सी को कितना मिल रहा है, 3 रुपया। ए को कितना मिल रहा है, 6 रुपया। बी को कितना मिल रहा है, 4। सी को कितना मिल रहा है, 3। 6, 4, 10, 3, 13, 13 रुपया के बंटवारे में सी कितना ले जा रहा है, 3। और बंटवारा कितने का करना है, 117 का। 117 के बंटवारा में सी क्या ले जाएगा, तो 13 × 17 से नहीं, 13 से 9 बार में कट रहा, मतलब ये 9 गुना यानी 27 रुपया। यानी सी कितना रुपया ले जाएगा, 27 रुपया। अब बंटवारा ये करना था, सी को ये मिलना था, लेकिन इस रेशियो में हम लोग बांटे नहीं। बांटे किस रेशियो में, तो ए बी और सी को 2:3:4 के रेशियो में हम लोग बांट दिए। तो इस बंटवारा में सी को क्या मिलेगा, तो 2, 3, 5, 4, 9। अगर 9 रुपया बांटेंगे तो सी क्या ले जाएगा, 4 रुपया। साफ साफ दिख रहा है, ए क्या ले रहा है, 2 रुपया। बी क्या ले रहा है, 3 रुपया। सी क्या ले रहा है, 4 रुपया। और तीनों मिल के कितना रुपया ले रहा है, तो 9 रुपया। 9 रुपया के बंटवारे में सी को क्या मिल रहा है, 4 रुपया।
और 117 के बंटवारे में सी को क्या मिलेगा, 4/9 गुना 117, 9 से कटेगा 13 बार में, 13 चौक 52। अब देखिए सी को कितना मिलना चाहिए था, 27, मिला कितना 52, कितना ज्यादा मिला 52 - 27 यानी 25। सी को फायदा हुआ और कितना 25 रुपया का। आइए हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल, एक व्यापारी ने 3 प्रकार की चीनी 2:3:5 के अनुपात में मिलाकर 40 रुपया प्रति केजी का मिश्रण तैयार किया। यदि पहले 2 प्रकार के चीनी का मूल्य 20 रुपया तथा 30 रुपया प्रति केजी हो तो तीसरे प्रकार के चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन कहता है 3 प्रकार, 3 प्रकार का चीनी 2, 3 और 5 के अनुपात में मिलाया, मतलब पहला प्रकार का अगर 2 केजी लिया तो दूसरे प्रकार का 3 केजी लिया और तीसरे प्रकार का 5 केजी लिया। क्वेश्चन यही कहता है ना, तो 2 किलो 3 किलो और 5 किलो कुल कितना 10 किलो और प्रति केजी मिश्रण वो किस भाव का तैयार हुआ। तो क्वेश्चन कहता है कि अनुपात में मिलाकर 40 रुपया प्रति केजी का मिश्रण तैयार हुआ। मिश्रण का मूल्य 1 केजी का कितना है 40 रुपया, तो 10 केजी का मूल्य कितना होगा 400 रुपया। यहां तक समझने में शायद कोई परेशानी ना हो। 2 किलो 3 किलो 5 किलो कुल मिलाकर 10 किलो, 1 किलो का दाम 40 रुपया, 10 किलो का दाम 400 रुपया। अब क्वेश्चन कहता है पहले प्रकार का चीनी 20 रुपया प्रति केजी था, पहले प्रकार का चीनी 20 रुपया प्रति केजी था, तो पहले प्रकार के चीनी में रुपया कितना लगा होगा 20 × 40। फिर क्वेश्चन कहता है दूसरे प्रकार के चीनी का दाम 30 रुपया था और दूसरे प्रकार का कितना किलो 3 किलो, तो 30 रुपया और 3 किलो यानी दोनों पहले दोनों प्रकार के चीनी में कितना पैसा लगा होगा, कितना रुपया लगा होगा, तो 40 और 90 130। इस 400 में अगर 130 घटा लें तो वो जो बचेगा कीमत वो किसका, वो तीसरे प्रकार के चीनी का दाम। तो तीसरे प्रकार का चीनी का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का दाम घटा देते हैं 130। 130 घटाएंगे तो क्या बचेगा 270, और 270 में आपने खरीदा था क्या 5 केजी। तीसरे प्रकार का चीनी जहां आप खर्चा कितना कर रहे हैं 270, खरीद के कितना लाए 5 केजी, 1 केजी का दाम कितना होगा, 5 से भाग लगाइए और ये आपका आंसर है। 5 से भाग लगाएंगे तो मान आएगा 54 रुपया पर केजी। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इसको कैसे बनाया जाए, दूसरा विकल्प भी हम लोग लेंगे जो मूल तरीका है, पहले हम लोग देखते हैं। 729 लीटर कुल मात्रा क्या है, 729 लीटर, और इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है 7:2। तो 7:2 में 729 को हम लोग बांट सकते हैं, 7 × 2 = 9, 9 का मान कितना 729, 1 का मान कितना, 1 का मान 729/9, 9 से कटेगा 81 बार में, 1 का मान 81, तो 2 बराबर कितना 81 × 2 और 7 बराबर कितना 81 × 7। तो दूध और पानी का मात्रा निकल गया, दूध कितना है 7 × 8 = 56 और ये है 2 × 8 = 16 = 162। अब क्वेश्चन कहता है कितना पानी और मिला दिया जाए, x लीटर पानी और मिला दिया जाए, और मिला देने के बाद इसका रेशियो 7:3 हो जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब x का मान निकालना है, यही आपका आंसर है।
अब सात से इसको गुना करेंगे तो ये कितना होगा, सात दूना चौदह और छः सत बयालीस, एक तैतालीस और सात चार ग्यारह, ग्यारह सौ चौंतीस प्लस सात एक्स बराबर तीन से इसको गुना करेंगे तो सात तिया इक्कीस, छः तिया अठारह, दो बीस, बाकी दो, पाँच तिया पंद्रह, दो सत्रह। अब सात एक्स बराबर एक सत्रह सौ एक, सत्रह सौ एक में घटेगा ग्यारह सौ चौंतीस और ये घटाएंगे तो क्या आएगा, ग्यारह में चार जाएगा सात, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा नौ, नौ में से तीन गया छः और यहाँ बचेगा छः में से एक गया पाँच, पाँच सौ सड़सठ, यानी सात एक्स बराबर पाँच सौ सड़सठ और एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर इक्यासी, आपका आंसर इक्यासी आया। ऐसे इक्यासी आंसर तो बहुत पहले आ गया था, हम लोग समझ नहीं रहे हैं इसलिए इतना दूर गए, और अगर क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं तो इतना करने का जरूरत नहीं है, बिना पेन लगाए आप आंसर लाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए आप इतना करेंगे, सात सौ उनतीस बटा नौ इक्यासी, एक का मान इक्यासी, यही आपका आंसर है, इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। और इतना ही करके हम लोग काम कैसे चलाएंगे, आइए ज़रा सा समझे कि यही करके आंसर कैसे आ गया। आइए थोड़ा सा और वक्त दे हम लोग इस क्वेश्चन के लिए, हम लोग को इतना वक्त देने का कोई ज़रूरत नहीं था। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या करना है, सात सौ उनतीस बटा नौ इक्यासी, बस ये आपका आंसर है, इससे ज़्यादा करने का कोई आवश्यकता नहीं था। अब यही किए और आंसर आ गया, ये हम लोग कैसे समझें, यहाँ थोड़ा सा वक्त आपको देना है ताकि इतना ही समय में आपका काम चल जाए। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आप कोई भी सेट उलट कर देख लीजिए, एसएससी का सेट हो चाहे आरआरबी रेलवे का सेट हो, कोई सेट हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आइए एक बार फिर से देखें ताकि एग्जाम में आपका वक्त अधिक ना लगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जो सात और दो के अनुपात में था वो सात और तीन के अनुपात में हो गया, मतलब सात दो क्या नौ और सात क्या दस, इसका मतलब जो नौ था वो दस हो गया, तो वृद्धि एक ही हो रहा है ना, तो सात दो नौ, नौ का मान कितना सात सौ उनतीस और दस का मान कितना, दस का मान कितना, क्यों एक का मान निकालिए ना, एक ही वृद्धि हो रहा है ना, कितना वृद्धि हो रहा है ये पूछ रहा है, तो वृद्धि तो एक ही हो रहा है, एक का मान दे दीजिए, तो नौ का मान इतना तो एक का मान इक्यासी, इससे ज़्यादा वक्त लगा क्या, नहीं लगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में क्वेश्चन बनाना सीखें, अगर आप समय बचाना नहीं सीखिएगा तो हमेशा दो चार नंबर के लिए आप कट ऑफ से नीचे आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि जितना कट ऑफ जाए हम उससे ऊपर हों, तो आपको कम से कम समय में क्वेश्चन करने का आदत डालना होगा। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।